नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों, मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो नया साल का शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, साल 2020 लग चुका है और ऐसे में खास तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए ये नया साल और खास तौर पे फरवरी का ये माह, क्योंकि फरवरी का माह थोड़ी ठंड थोड़ी गर्मी मिक्स होती है, क्योंकि ठंड जाने वाली होती है गर्मी आने वाली, तो कहते हैं कि बहुत ही रोमांटिक महीना होता है। और ऐसे में आइए जानते हैं, हर पहलुओं पर गौर करेंगे और जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं उनका मासिक राशिफल, फरवरी का माह उनका कैसा जाएगा। लेकिन फटाफट जान लेते हैं कि फरवरी यानी कि इस महीने क्या कहती है आपकी ग्रहों की चाल। देखिए, मिथुन राशि वालों के अगर सितारों पर नजर डालें तो इस समय उनके लगन में राहु चल रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में स्वराशि के मंगल हैं, सप्तम भाव में इनके गुरु और केतु का योग बन रहा है, अष्टम भाव में शनि और सूर्य का योग है और नवम स्थान में शुक्र बुध है, दशम एकादश और द्वादश भाव कुंडली में इस समय बिल्कुल खाली है। तो मिथुन राशि वालों के जो सितारे हैं इस समय पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कुछ तो इम्प्रूव पहले से करेंगे और जो परेशानियां हैं वो पूरी तरीके से इनकी खत्म नहीं है। हम बताएंगे क्या दिक्कत है और क्या उपाय हैं आपको चल रहे हैं, लेकिन पहले से बेहतर ये माह इनके लिए रहने वाला है। और जो कि 24 जनवरी से शनि का भी राशि परिवर्तन हो चुका है, और ऐसे आइए जानते हैं कि आपकी सेहत कैसे रहेगी इस महीने। देखिए, मिथुन राशि वालों की फरवरी जो माह है ना, बड़ी भागदौड़ में बीतने वाली है कविता, तो इनको इस समय यात्राएं काफी करनी पड़ेंगी और समय नहीं दे पाएंगे ये, इस चक्कर में इनकी सेहत खराब रह सकती है। छठे भाव में मंगल हालांकि स्वराशि का है, लेकिन आप देखें इनके अष्टम भाव में शनि और सूर्य का योग बना हुआ है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है। इनको इस समय बुखार इत्यादि या कुछ हम कंडीशन कहें तो वायरल फीवर इस समय थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, जिनको पेट संबंधी कोई परेशानी वो बढ़ सकती है। और इस समय कहीं ना कहीं जब अष्टम भाव में ऐसे ग्रह बैठे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, कोई बड़ी परेशानी इस समय हो सकती है। तो मिथुन राशि वालों को सेहत संबंधी थोड़े से ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है इस माह में। अगर आपकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो आप उसको बिल्कुल इसका चेकअप करिए, अगर आपने मेडिकल चेकअप नहीं लिया तो ये आपको किसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज भी कभी करा सकता है, यानी गंभीर बीमारी हो सकती है। इस कंडीशन में क्या रहता है कि समटाइम्स किसी को वायरल फीवर होना या टाइफाइड जैसी बीमारी भी इस माह में लग सकती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक आपको चीज बताई जा रही है कि इस माह क्या आपको बीमारी हो सकती है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कविता अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ भी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो सितारे ये कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए, खुद का इलाज ना कीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन कोई बड़ी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपनी सेहत को लेके मैं तो ये कहूंगी कि मिथुन राशि वालों को फरवरी में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उन्हें देखनी पड़ सकती है। और जो कि स्वयं मिथुन राशि वालों के जो स्वामी बुध होते हैं, और आइए जान लेते हैं कि खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए फरवरी का ये माह कैसा रहेगा, क्योंकि 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स भी अगले महीने हैं। आइए जान लेते हैं कि जो विद्यार्थी विदेशों का रुख करना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए भी, उनके लिए भी फरवरी का ये माह कैसा जाएगा। स्टूडेंट्स का मन जो है ना इस समय पढ़ाई में पूरी तरीके से नहीं लग रहा है इनका, बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र लगन में राहु सप्तम में केतु है, तो कहीं भी ये अपना मन एकाग्र करके नहीं लगा पा रहे हैं। तो इनको क्या है कि अपनी एकाग्रता को मजबूत करने की जरूरत है, आपको मन लगाकर कोई चीज करनी चाहिए। सितारे आपके साथ नहीं है, लेकिन यही आपको क्या करना है कि अगर कोई स्टार्स कोई प्लैनेट हमें अगेंस्ट ले जा रहा है, हमें गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उससे आपको बचना चाहिए। इस समय स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से भटक सकता है, गलत चीज़ों में आपका रुझान हो सकता है, तो मन आपका पढ़ाई में लगाइए, मन लगाकर पढ़ाई करें, योग का सहारा लें तो आपको एकाग्रता लाने में मजबूती मिलेगी। और स्टूडेंट्स के लिए अगर वो मेहनत करते हैं और उनको शुभ दशा चल रही है तो इस महीने आप काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपका कोई इंटरव्यू है तो वो भी समय क्लियर हो सकता है। जो बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत सुंदर योग है कविता, शुक्र की स्थिति जो उनको बाहर ले जा सकती है।
तो यहाँ पर आपको एकाग्रता को मजबूत करके मेहनत करते हैं तो कोई बड़ी परेशानी मिथुन राशि वालों को फरवरी माह में नहीं आने वाली है। फिर और भाई, जैसे आपने कहा ना कि इस वक्त जो मिथुन राशि वालों के जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, भले ही सारे उनके साथ हो ना हो, लेकिन अगर इंसान कर्म करता है पूरी लगन के साथ तो भाग्य भी उनका साथ देता है। और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र, जी हाँ, जितने भी कारोबारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए ये महीना खास तौर पर कैसा जाएगा? देखिए, इनके लिए गुरु सप्तम भाव में आ गए हैं, तो गुरु ने सप्तम भाव पर आकर बहुत कुछ स्थिति शुभ बना दी है इनके लिए। कार्य व्यवसाय में अब ये पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इस माह इनका काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि कहीं नए काम की शुरुआत अभी नहीं करनी चाहिए जी। ये आपको सलाह है कि नए काम की शुरुआत करना इस समय महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ शुभ नहीं है, तो नया कारोबार अभी बिल्कुल आप शुरुआत ना करें तो ये आपके लिए बेहतर है। जो भी आपका काम धंधा चल रहा है, चाहे उसमें कम प्रॉफिट भी हो रहा है, उसी तरीके से अभी आपको करना पड़ेगा। अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उसको भी खो बैठेंगे। तो इस शीर का मिथुन राशि वाले बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको हाथ नहीं डालना है इस माह। आपको किसी भी नौकरी परिवर्तन से भी बचना चाहिए, ये मेरी मिथुन राशि वालों को सलाह है। और कारोबारियों की भी सामान्य धन लाभ आपको इस समय होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में किसी बड़े परिवर्तन से आप जरूर बचेगा। और इसी के साथ जान लेते हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन, और शनि का राशि परिवर्तन आपके आर्थिक जीवन पर क्या असर डालेगा खासतौर पे फरवरी के महीने में, आइए जान लेते हैं। देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति जो है पहले से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपको अचानक से धन लाभ का फायदा इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति बता रही है, तो धन लाभ आपको इस समय जरूर कुछ ना कुछ होगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्च भी इस समय थोड़ा सा इनका बढ़ सकता है। तो देखिए, जब खर्च बढ़ता है तो जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, फिजूल खर्ची आप जो कि इस समय कर सकते हैं, राहु की स्थिति बन रही है, वो आपको बेवजह पैसे उड़ाना, रोज रोज पार्टियां करना, इस चीज से मिथुन राशि वालों को इस समय बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ धन आगमन तो हो रहा है पर इतना नहीं हो रहा है कि आप उसको बहुत पैसा जोड़ भी लें, तो थोड़ा सेविंग करें, फालतू के खर्च से आपको बचना चाहिए। जितने जरूरी हो उतना ही खर्च करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि रिश्तों पर, जी हाँ, मिथुन राशि वालों के पारिवारिक और प्रेम प्रसंग पर खास तौर पे शनि देव की कैसे दृष्टि रहने वाली है, और फरवरी का ये महीना उनके लिए उनके रिश्तों को लेकर कैसा जाएगा? देखिए, मिथुन राशि वालों के शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं, सूर्य के साथ है, तो उनकी ढैया की भी शुरुआत ये हुई है, अष्टम ढैया है। अष्टम ढैया क्या करती है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है इस समय। लापरवाही अगर आपने करी तो महंगी पड़ेगी, बस कभी हम ये चीज कहते हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाही ना बरती। वैवाहिक जीवन में लगन में राहु है, सप्तम भाव में गुरु केतु का योग है। देखिए, वैवाहिक जीवन में पहले से एक बेहतर समय मिथुन राशि वालों का आ चुका है। जिन जीवन साथियों के बीच में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे दूर होने लगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ के अब आपके रिश्ते का बचाव करेंगे। गुरु जब तक यहाँ नहीं थे तो रिश्ते खराब होने की स्थिति में थे मिथुन राशि वालों के, वैवाहिक जीवन जिनका था, लेकिन अब गुरु के यहाँ रहने से स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपसी संबंध आपके मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के वाद विवाद से आपको पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में बचना चाहिए। यह हम अपने दर्शकों को बता दें कि ज्योतिष विद्या से ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि हम अपने दर्शकों को डराएं। हमारा बस यही मकसद होता है कि ज्योतिष विद्या का सहारा लेते हुए, ग्रहों की चाल को देखते हुए आपका मासिक राशिफल बता सकें, ताकि आपको सचेत कर सके कि भविष्य में ये चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएं हैं, जरूरी नहीं कि वो हो ना हो, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद होता है कि आपको सतर्क रह सके। बिल्कुल कविता, और दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, इस माह में अगर आपको जो भी समस्या आ सकती है तो वो हमारा फर्ज है कि हम आपको बताएं कि इस तरह की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं, चाहे वो आपके कारोबार में हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे घरेलू जीवन में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे तभी आपको उन चीज़ों से अपना बचाव करना चाहिए। तो इसलिए हम चीज़ें बताते हैं कि इस माह में ये समस्या आपके साथ आ सकती है और इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, और फिर शो के अंत में हम आपको उसके उपाय भी बताते हैं। चलिए, जैसे कि आपने बोला, और हम अब बात कर लेते हैं सावधानी की। जी हाँ, छोटी मोटी सावधानियाँ जो आपको फरवरी के महीने में बरतनी है। देखिए, सबसे पहले मिथुन राशि वाले को बताएंगे फरवरी माह में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, फरवरी माह में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, खासकर मित्रों के साथ, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है। मित्रों से वाद विवाद टालें, और जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचे। घरेलू कलह आपको लेकर हो सकता है, तो परिवार में भी किसी के साथ भी आप कोई भी दुर्व्यवहार ना करें,
है ना, और धर्म अनुकूल आचरण करें, पत्नी का सम्मान करें, पति का सम्मान करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए इस समय, अन्यथा स्थिति खराब हो जाएगी। कहीं धन का निवेश इस समय ना करें आप, ये भी आपको सलाह दी जाती है। सेहत का अपना ख्याल रखिए, ये भी एक और सलाह है। और किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से मिथुन राशि वालों को फरवरी मास में बचना चाहिए। यानी कविता सो की एक बात यह है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, स्थितियां जैसी चल रही हैं पहले से बेहतर है, डे बाय डे बेहतर होती चली जाएंगी, तो कोई बड़ी दिक्कत फिर आपको नहीं आएगी। और इस माह क्या करना चाहिए, देखिए इस माह आपको मन लगाकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए तो सफलता मिलेगी जी। आप अपने कार्य क्षेत्र में देखें तो मन लगाकर अपना काम कीजिए तो आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है वरिष्ठ अधिकारियों से या आपके बॉस से। कुछ अच्छा काम ऐसा कर देंगे आप जिसका बड़ा फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। देखिए फरवरी माह में ये सलाह है कि इस माह जितनी मेहनत आप करेंगे ना उसका परिणाम आपको आने वाले 2-3 महीने के बाद निश्चित रूप से मिलेगा और एक बड़ा रिवॉर्ड की तरह मिलेगा इनको। बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम फटाफट जान लेते हैं छोटे मोटे उपाय जिसके करने से जो भी भविष्य में आपके साथ फरवरी में कोई भी विपत्ति अगर आने वाली हो, कोई भी घटना भयंकर घट सकती है, तो उसे कैसे बचा जा सके या फिर उसे टाला जा सके। देखिए मिथुन राशि वालों को इस समय गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की आरती प्रातःकालीन करें तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अधिकता फरवरी माह में रह सकती है। उस पर आपने कंट्रोल किया तो फिर कोई भी बड़ी परेशानी आपको नहीं आने वाली है कविता। चलिए मयंक जी ने इतना बड़ा उपाय बताया है, सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की अगर आप आराधना करेंगे तो आपके काम तो अपने आप ही बनने लगेंगे। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं हमेशा अपने दर्शकों को याद दिलाती हूँ कि अगर आपके खुद के घर के वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर आप मयंक जी से करवाना चाहते हैं, कोई भी समस्या अगर आपकी जिंदगी में चल रही हो जिसका आप कहें कि ज्योतिष विद्या के सहारे उसका समाधान चाहते, तो बेझिझक स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान वो स्वयं बताएंगे। और अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो खास तौर पर कर्क राशि पर आधारित होगा, जो हमारे पिछले एपिसोड्स हैं वो मेष राशि और वृश्चिक पे हैं। तो इसी तरह इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।